वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे 25 मसालों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कुकरी शो देख रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि उसने क्या बोला, क्यूमिन सीड मतलब क्या हुआ, अगर उन्होंने बोला एसोफिटेरा तो ये क्या हुआ, तो हम कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसका हल निकालने के लिए आज हमने सोचा है कि मैं आपको 25 इंग्लिश और हिंदी में मसालों के नाम बताऊंगी जो हम फ्रिक्वेंटली इंडियन किचन में यूज़ करते हैं। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप कौन सा मसाला यूज करते हैं? अदरक। तो अदरक को बोलते हैं जिंजर। अदरक को क्या बोलते हैं? जिंजर। लहसुन, लहसुन को हम बोलते हैं गार्लिक। लहसुन को बोलते हैं गार्लिक। तो जब आप सुनते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट का मतलब क्या हुआ? जिंजर मतलब अदरक और गार्लिक मतलब लहसुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। इसके अलावा मिर्ची को बोलते हैं चिली। मिर्ची को बोलते हैं चिली। अगर आप बात करें पाउडर की तो हो जाएगा चिली पाउडर। अगर आप बात करते हैं कूटी हुई मिर्ची की तो उसे हम बोलते हैं चिली फ्लेक्स। अगर हम साबुत मिर्च की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेड चिली। नेक्स्ट है आपका हल्दी। हल्दी को हम बोलते हैं टर्मरिक। हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक। उसके बाद है धनिया। धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर। धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर। नेक्स्ट है आपका जीरा। जीरे को बोलते हैं क्यूमिन सीड्स। क्या बोलते हैं? क्यूमिन सीड। सौंफ को बोलते हैं फेनल सीड्स। सौंफ को बोलते हैं फेनल सीड्स। इसके अलावा कसूरी मेथी को हम बोलते हैं फेनिग्रिक लीव्स। कसूरी मेथी को बोलते हैं फेनिग्रिक लीव्स। लौंग को बोलते हैं क्लोव्स। लौंग को बोलते हैं क्लोव्स। इलायची को बोलते हैं कार्डमन। इलायची को बोलते हैं कार्डमन। तेज पत्ते को बोलते हैं बे लीफ। तेज पत्ते को बोलते हैं बे लीफ। इसके अलावा जो आप इस तरह की इमेज में देख रहे हैं स्टार जैसे जो गर्म मसाला में अंदर रहता है, इसे हम बोलते हैं स्टार एनिस। हिंदी में हम चक्र फूल भी बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्टार एनिस। क्या बोलते हैं? स्टार एनिस। इसके अलावा जावित्री को बोलते हैं मेस। जावित्री को बोलते हैं मेस। इसके अलावा जायफल को बोलते हैं नटमेग। अगर आप बोलते हैं जायफल पाउडर तो इसे हम बोलते हैं नटमेग पाउडर। जायफल को बोलते हैं नटमेग। आमचूर को बोलते हैं मैंगो पाउडर। आमचूर पाउडर को बोलते हैं मैंगो पाउडर। नेक्स्ट है आपका सरसों। सरसों को बोलते हैं मस्टर्ड। सरसों को बोलते हैं मस्टर्ड। अगर आप काले सरसों की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक मस्टर्ड सीड। अगर हम पीले सरसों की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं येलो मस्टर्ड सीड्स। इसके अलावा काली मिर्च को बोलते हैं ब्लैक पेपर। काली मिर्च को बोलते हैं ब्लैक पेपर। सफ़ेद मिर्च को बोलते हैं, काली मिर्च पाउडर को बोलते हैं ब्लैक पेपर पाउडर। सफ़ेद मिर्च पाउडर को बोलते हैं वाइट पेपर पाउडर। केसर को बोलते हैं सैफ्रॉन। केसर को बोलते हैं सैफ्रॉन। गुड़ जिसका बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं, गुड़ जिसका विंटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं जैगरी। क्या बोलते हैं? जैगरी। एक और बहुत ज़्यादा उपयोग होता है किचन में, वो है गरम मसाला। तो गरम मसाला को इंग्लिश में भी गरम मसाला बोलते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में गरम मसाला बोल सकते हैं। इसके अलावा जो धनिया होता है उसे हम बोलते हैं कोरिएंडर। धनिया की पत्ती को बोलते हैं कोरिएंडर लीव्स। क्या बोलते हैं? कोरिएंडर लीव्स। तो ये कुछ मसालों के नाम हैं जिनका किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब आप इनको इंग्लिश में बोलेंगे और मुझे लिख के बताएंगे वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहे मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।